वेलकम टू माय दार्जिलिंग व्लॉग। देखो हो गया हमारा केवेंटर्स में खाना पीना और अब हम जा रहे टुवर्ड्स मॉल। और मैं जो हूँ बुककर, मैंने अभी क्विकली ग्लेनरी से ले लिया है क्रीम रोल। बचपन याद करते करते मैं जा रही हूँ टुवर्ड्स द मॉल रोड, जो कि है बैरली 30 मीटर्स फ्रॉम ग्लेनरी। और ये पहुंच गए मैजिक। तो यस, मॉल रोड इज एक्चुअली मैजिक। इट इज द बेस्ट 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 मॉल रोड ऑफ एनी हिल स्टेशन दैट इज देयर इन इंडिया। अगर आप मानते हो तो एक थम्स अप दे देना मुझको। तो इधर देखो, वो लुक एट द बेबी, सो क्यूट। और ये देखो, इतने सारे इधर क्यूरियो शॉप्स है, आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। मॉल रोड में आप बैठ के कुछ भी कर सकते हो यार, मतलब टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। वहां पे देखो एक बड़ा सा स्क्रीन है, वहां पे बर्फी दिखा रहे। इट हैज बिकम अ हिट मूवी फॉर द दार्जिलिंग पीपल। और चाय पियो, कॉफी पियो, कुछ मत करो, जस्ट लोगों को देखो, दुनिया भर का एक्टिविटीज होता रहता है, इट्स फन। तो चलो देखते हैं मॉल रोड के चारों तरफ क्या है। तो इधर आते ही, एज यू एंटर द मॉल रोड का जो साइड से है लेन, दिस इज विंडमेयर, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड होटल्स जो कि ब्रिटिश एरा से है। और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड भी बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं, बहुत पुराने बट वेरी वेरी नाइस, जो मैं आपको मेरे अगले व्लॉग्स में दिखाने वाली हूँ। इधर आगे आ गया है लोरेटो कॉलेज एंड आई लव दार्जिलिंग, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। और आगे देखो, दिख रहा है सेंट एंड्रयूज चर्च, तो कुछ ना कुछ है ही। इधर है टेंजिंग नोर्गे, वो कौन है नहीं पता, मुझे पूछो मैं बता दूंगी, डीएम मी। और ये आगे दिख रहा है मुझे गवर्नर हाउस। सो व्हेन यू रीच द गवर्नर हाउस, दैट मींस हाफ वे आप आगे हो, जैसे आप पूरा सर्किल ले रहे हैं ऑफ द मॉल रोड। और चलिए चलते हैं। सी द लोकल पीपल, दे आर सो हैप्पी, दे हैव सच अ सिंपल लाइफ स्टाइल, बट बहुत अच्छा लग। ओ माई गॉड, लुक एट द व्यू, एट लास्ट मुझे दिख गया है माउंटेन रेंज। में जब से आई हूँ दोपहर से मुझे माउंटेन रेंज दिखा ही नहीं, स्नो क्लैड माउंटेन दिखा ही नहीं, एट लास्ट दिख गया। सुबह से इट वॉज ऑल कवर्ड विथ क्लाउड्स, बट दिस इज अमेजिंग। आप लोग को दिख रहा है क्या, ठीक से देखिए, इट इज रियली ब्यूटिफुल। ओफो, दिस इज जन्नत, क्या बोलते हो आप लोग। पता नहीं क्यों लोग भागते स्विट्जरलैंड, यार हमारे देश में ही इतना सुंदर जगह है, इंजॉय करो, इंजॉय योर ओन कंट्री। एनीवे चलो आगे बढ़ते हुए, वो देखो देर आर फ्यू लोकल पीपल, वो लोग अपने लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के दे वर मेकिंग रील्स, यू नो द होल फैमिली, इट वॉज अ वेरी स्वीट थिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट कर रही हूँ ऑल अबाउट दार्जिलिंग, सो दैट मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। और आगे मुझे दिख रहा है महाकाल मार्केट। ये मार्केट जो है ना, यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है, उन्हीं के नाम से ये मार्केट शुरू हुआ है इधर। यहाँ पे आपको दुनिया भर का वुलन गार्मेंट्स मिल जाएगा। मुझे तो कुछ लेना नहीं है क्योंकि मैं आई हूँ मुंबई से, जहाँ पे ठंडी का तो ठा भी नहीं होता है, तो मैं क्या ही करूँ गर्म कपड़ा लेके। पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये डॉक्यूमेंट कर रही हूँ। और अभी धीरे धीरे सूर्य देवता टाटा बाय बाय कर रहे हैं, तो ठंड भी बढ़ रहा है। मैं आगे जाके थोड़ा सा चाय पीऊंगी, कॉफी तो बिल्कुल मैं पीती नहीं हूँ, और इधर तो और भी नहीं, दार्जिलिंग आके कॉफी न। तो चलो चलते हैं आगे, जाके मॉल रोड में जाके एक कप गरम गरम दार्जिलिंग टी हो जाए। मुझे आगे गोल्डन टिप्स दिख गया, तो जाके चलो एक कप चाय पीते हैं, लेट्स गो। ठंड बढ़ रही है, ओ माय गॉड, चलिए चलते, मेरा नाक बंद हो गया है, लेट्स गो एंड हैव सम टी, लेट्स गो। तो ये कैफे में एक ओपन रेस्टोरेंट भी ऊपर है, तो चलो चलते हैं ऊपर जाके, ठंड में बैठते हैं, नज़ारा देखते हैं और दार्जिलिंग चाय पीते हैं, अनु मलिक को याद करते हुए गरम चाय की प्याली। हो आगे नहीं चाहिए भाई, खुद का चाय मैं खुद ही पी लूंगी। तो चलो बैठते हैं और दार्जिलिंग टी ऑर्डर करते,
लेट्स एंजॉय दार्जिलिंग टी इन दिस ऑसम वेदर। चलो दार्जिलिंग में बैठे हैं, शाम का वक्त है, गोल्डन टिप्स में है और क्या चाहिए। इट इज़ राइट नाउ 10 degrees इन दार्जिलिंग, बहुत ठंडे, बहुत मज़ा आ रहा है और उसके साथ हनी जिंजर लेमन चाय। चलो पीते हैं एक साथ, ये क्या, दिस इज़ व्हाट दार्जिलिंग इज़ ऑल अबाउट। So that was my Darjeeling tea, first flush. उसके साथ हनी जम गया है, ओ माई गॉड हनी जम गया है, एंड देन वी पोर विद ऑफ हनी जो कि जम गया है, स्टर इट एंड मोर स्टर। हाँ, और पता है अभी दार्जिलिंग में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट खाली। मैंने लाइफ में कभी मॉल रोड खाली नहीं देखा है, मैं जितनी बार दार्जिलिंग आई हूँ आई हैव नेवर सीन मॉल रोड खाली। आज मॉल रोड इज़ लिटरली एम्प्टी, इट इज़ वियर्ड। हम लोग केविंटर्स गए थे शाम को, केविंटर्स वॉज खाली। अभी रात को वी प्लान टू गो टू ग्लेनरी फॉर डिनर, लेट्स सी जगह मिलता है कि नहीं, क्योंकि ग्लेनरी में भी जगह नहीं मिलता है, लोग लाइन देके जाते हैं, वो लंगर टाइप जो मुझे नहीं पसंद है। बट अगर खाली होगा तो येस डेफिनेटली उधर ही आज रात को डिनर करेंगे, शौक तो वही है। चलो चीयर्स, फर्स्ट इवनिंग एट दार्जिलिंग। चाय पी के तो हो गया, अभी आ गए हम लोग थोड़ा रोड साइड कुछ खाना खाने के लिए। ठंड बहुत है और इधर गरम गरम सब खाना बन रहा है। ये सब तो मुझे नहीं खाना है, मे बी आई हैव अ क्या बोलते हैं प्लेट ऑफ मोमोज, दार्जिलिंग में मोमोज आ, और ये ठंड में ये देखो मैंने ले लिया है मोमो और मैं खा रही हूँ मोमो। बहुत अच्छा है, वेरी वेरी टेस्टी। और अभी मुझे थोड़ा सा लालच लग हो रहा है कि थोड़ा सा रोड साइड नूडल भी खा के देखूँ, तो शायद मैं एक नूडल का भी प्लेट ले लूँ, लेट्स सी। बट आई थिंक मुझे ना थोड़ा फिश ऑयल का स्मेल आ रहा है, पता नहीं, मे बी इट इज़ ओनली मी कि क्या है, बट आ रहा है थोड़ा सा। तो आई ड्रॉप द आइडिया ऑफ हैविंग नूडल, आई जस्ट हैव मोमो एंड आई देन वी आर गोइंग टू गो टू ग्लेनरी एंड हैव अ क्विक ग्रब एंड मूव टू द होटल, क्योंकि कल सुबह सुबह उठ के जल्दी से फटक से भागना है टूवर्ड्स टाइगर हिल। और ये आ गए हैं हम ग्लेनरी, चलो बैठते हैं। ओके, तो हम लोग आ गए हैं, इधर वेटिंग बिल्कुल भी नहीं है, हमको टेबल मिल गया है, जाते हैं। आउटसाइड एरिया है, मैं बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों को सब कुछ बता रही थी, बट देन बैकग्राउंड में ना गाना चल रहा है यार, फिर कॉपीराइट इशू, इसलिए मैंने सब वॉल्यूम बंद करके मैं इधर आप लोगों को वॉइस ओवर में बता रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है, कितना भीड़ यार क्या है, यही बता रही हूँ। बट ये जो भीड़ है ना अंदर, सब लोकल्स है, टूरिस्ट बहुत ही कम है। यहाँ हम लोगों ने एक टोडी मंगवा लिया है, नॉट विद अल्कोहल, ओके, विदाउट अल्कोहल एक टोडी मंगवा लिया है, हम यही पी के फिर निकल जाएंगे होटल के लिए, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा 3:30 बजे। तो चलिए देख लीजिए एक बारी कितना भीड़ है, एंड ऑल लोकल्स एज आई सेड। तो चलो चलते हैं होटल एंड मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब कल सुबह। द नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बज रहा है घड़ी में 3:30 और हम लोग बिल्कुल तैयार है टाइगर हिल में जाके कांचनदा को देखने के लिए। कांचनदा कौन है, पीछे मेरा क्लॉक टावर है, मैं वो बता रही हूँ, यहाँ पे आवाज इतनी है, सुबह 3:45 बज रहा है, बट नीचे इतना भीड़ है बिकॉज पीपल आर ऑल कमिंग गैदरिंग देयर। यहीं से शुरू होता है टाइगर हिल जाने का जो सफर है, तो बहुत ज्यादा लोग बात करे तो इसलिए मुझे अगेन वॉइस ओवर देना पड़ा, नहीं क्योंकि क्लैरिटी नहीं था। तो ये देखिए सब गाड़ियां आके इकट्ठे हो रहे,
मैं क्या बोलने वाली थी क्या बोलने वाली थी क्या बोले हाँ, तो हम जा रहे हैं सुबह कंचनजंगा मतलब कांचोंदा को देखने के लिए। कांचोंदा क्यों बोल रहे हैं, क्या क्या है ना कि जो भी हमारे बहुत करीब होते हैं ना, तो हम उनको दादा बुलाते हैं, जैसे कि सौरभ दा, पता है ना आप लोगों को, तो वैसे ही कांचोंदा। तो कंचनजंगा इज आर कांचोंदा। तो चलते हैं, आज जाते हैं, देखते हैं, अगर वो दिखाई देते हैं, सनराइज दिखता है, क्योंकि बिकॉज इट इज विंटर, बहुत ठंड है एंड इट इज ऑल फॉगी, तो लोगों को हर रोज नहीं दिखाई दे रहा है कांचनदा या फिर सनराइज। लेट्स सी आज हमारा नसीब में क्या है। तो चलिए चलते हैं, हमारा कैब आ गए, हम गाड़ी में बैठ गए, तो चलते हैं टाइगर हिल। लेट्स गो टुगेदर टू टाइगर हिल टू सी कांचनदा। चाय कॉफी लेकर जाइए, गरम गरम चाय कॉफी, बहुत टाइम है, चाय कॉफी पी कर जाइए। 6:30 होगा सर गाइस, तो बड़े मस्त हो। चाय कॉफी चाय कॉफी चाय कॉफी लीजिए गरम। तो ये है सुबह का हाल टाइगर हिल पे, सब खाने पीने में बिजी, इट इज रियल फन। ये देखिए टाइगर हिल पे भी आके कितने दुकान कितने दुकान, सुबह सुबह सब दुकान लेके बैठ गए। और जिसका था इंतजार वो आखिर में आ ही रहा है। ये देखिए कंचनजंगा इज बैक, एकदम क्रिस्टल क्लियर, और सूर्य देवता इज ऑल्सो कमिंग आउट देर। मजा आ गया यार, मजा आ गया। ये जो सुबह उठ के हम आए, एकदम पैसा वसूल हो गया, एकदम क्लियर स्काई, और हमको दोनों एक साथ दिख गए। इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए जब आप सुबह सुबह टाइगर हिल आओ। 3 घंटा हम लोग यहाँ पे वेट किया, 3 घंटा नहीं, ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स, बट देन इट वॉज ऑल वर्थ इट। मजा आ गया। आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं जरूर बताइएगा मुझे लिख के कि कैसा लगा हमारा कंचनजंगा एंड द सनराइज हैपनिंग टुगेदर। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, देखिए सब लोग कैसे फोटो ले, यू नो इधर ऐसा वाइब आ रहा है जैसे वो इंडिया पाकिस्तान मैच में सब इकट्ठे हो जाते ना, इधर वैसा ही वाइब आ रहा है। तो चलो हो गया है हमारा देख के अर्ली मॉर्निंग सनराइज फ्रॉम टाइगर हिल। अब वापस जाते होटल, क्योंकि होटल में जाके फटाफट फ्रेश होना है, ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करके हम जाएंगे मिरिक और पशुपति, विच इज नेपाल का बॉर्डर। तो चलो चलते हैं एक साथ और देखते हैं नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, और किरादर क्या करने वाले हम लोग। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, फिर गाली नहीं सुनना है मुझको। तो हम आ गए होटल, ब्रेकफास्ट आप लोगों को दिखा देते हैं, क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे वो नहीं दिखा रही हूँ, ब्रेकफास्ट में क्या क्या है वो दिखा देती हूँ। बट आई मस्ट से दिस होटल रमाडा हैज एन ऑसम स्प्रेड ड्यूरिंग देयर ब्रेकफास्ट एटलीस्ट। बाकी तो मैंने खाया नहीं, नहीं बता सकती, बट द ब्रेकफास्ट स्प्रेड इज जस्ट वाह।
तो हम होटल से चेकआउट कर लिया है और हम जा रहे हैं, मिरिक और आप लोगों को भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और अगले व्लॉग में हम एक साथ मिरिक घूमने वाले हैं, पशुपति मार्केट घूमने वाले हैं, बहुत मजा करने वाले हैं। तो अंटिल देन डू शेयर लाइक सब्सक्राइब एंड See you on Monday.